हेलो गाइस, जैसे आज हम इस वीडियो में जैसे बात करें, जैसे आज के टाइम में जैसे सबसे जो पॉपुलर जो ट्रेंडिंग में चलता है, जैसे क्या चल रहा है। जैसे अपन जैसे शुरुआत में अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे अपन आज के लाइफ में जैसे किसी भी चीज़ में घुसने की कोशिश करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि सबसे पॉपुलर ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। जैसे हम कहीं भी जैसे अपने चारों ओर कुछ भी देखते हैं तो सारा कुछ वो बोलते हैं ना, जैसे AI जनरेटेड है ना, जैसे एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है ना, जैसे सारा कुछ AI के कंट्रोल में है ना। इसको AI को अगर देखें तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं ना। तो आजकल जैसे हर चीज़ में जैसे अपन आसपास के जो अपने चारों ओर जो माहौल है, वातावरण है, वो AI जनरेटेड ही पैदा हो गया है। जैसे AI जनरेटेड जैसे होता कैसे, जैसे काम कैसे करता है, वो सभी चीज़ों बारे में हम आगे हम चर्चा करेंगे ना। तो वीडियो पूरा ही देख के जाएं और वीडियो अधूरा ना छोड़े, है ना। आज थोड़ा जैसे गले में प्रॉब्लम है तो थोड़ा जैसे बोलने में दिक्कत आ रही है, और AI जनरेटेड ये जो वीडियो है जो हमारा फर्स्ट है ना, तो इसमें जैसे हम बात करें, जैसे AI जनरेटेड जैसे उसका एक एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम खुद कैसे, जैसे अपन साइंस कैसे कहते हैं, जैसे किसी चीज़ के जैसे क्रमबद्ध जो पद्धति बद्ध जो ज्ञान होता है उसको साइंस कहते हैं, उसी तरीके जैसे एल्गोरिथम होता है ना, जैसे किसी भी चीज़ जैसे किसी भी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होता है ना, उसको एल्गोरिथम कहते हैं ना। अब जैसे अपन समझे, जैसे चाय होती है ना, अब चाय को जैसे एक रोबोट बनाए या आदमी बनाए, बनाने की प्रोसेस तो सेम टू सेम रहते हैं। जैसे अब उसमें ये तो है नहीं कि जैसे चाय को जैसे रोबोट जैसे उसमें जैसे कुछ फेर बदल कर देगा, है ना। जैसे मतलब चाय तो स्टेप्स ही बनेंगे ना इसमें। जैसे कोई भी जैसे भारतीय संस्कृति में देखने को क्या मिलता है, जैसे भारतीय संस्कृति में जैसे क्यों फेमस है, जैसे वेद पुराण, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की संस्कृति है ना, इसलिए फेमस है। जैसे गौतम बुद्ध है ना, ये सब कुछ ये यहाँ पर इसी वजह से जैसे भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को यहाँ से जाना जाता है ना। तो जैसे AI जनरेटेड जैसे एल्गोरिथम जैसे स्टेप बाय स्टेप काम करती है, और जैसे ये AI जैसे फ्यूचर टाइम के लिए, जैसे अगर अपन आगे आने वाले टाइम के लिए अगर इसको देखें तो इसको जैसे वरदान या फिर अभिशाप के रूप में इसको देखा जाता है ना। जैसे इसको एक वरदान या फिर अभिशाप किसी भी रूप में ले सकते हैं, जैसे अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। जैसे रूस है वो कंट्री एक बात कहती है कि जैसे AI हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है ना, अगर हम इसका जैसे अगर सही से इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो चलेगा तो से ऐसे कैसे, है ना। ये जैसे किसने बनाया था, कैसे इसको डेवलप किया गया था, ये हम देखेंगे आगे वीडियो में ना। लेकिन जैसे रूस एक काफ़ी बड़ी जैसे क्षेत्रफल दृष्टि से काफ़ी बड़ी कंट्री है, और वो जैसे उसका जैसे जो राष्ट्रपति है, जो मेन जो वहाँ का प्रमुख है, वो एक बात कहता है, उसका नाम पुतिन है ना, वो एक बात कहता है कि जैसे AI जो टेक्नोलॉजी है ना वो काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है और इसको आगे बढ़ाना भी चाहिए ना। ये काफ़ी जैसे इंसान के लिए जैसे काफ़ी अच्छे साबित हो रहा है, काफ़ी वरदान है, और जो इस फील्ड में आगे रहेगा ना वही दुनिया पर राज करेगा, उसने ये बात कही है ना। तो इसका जैसे काफ़ी अच्छा जैसे देखने में मिलता है, जैसे इसको सबसे पहले जैसे 1970 के दशक में जो जो इसके जैसे एल्गोरिथम था उसकी शुरुआत की गई थी, जैसे है ना 1970 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, है ना। पर ये 1997 जो है ना महीन जो लर्निंग जो प्रोग्राम था ना, उसने जैसे इसको एक मील का पत्थर जो साबित कर दिया गया था, है ना। सो 1997 में ये मुख्य रूप से जैसे ये सामने आई या फिर इसको आया हुआ देखते हैं ना। और इसको जैसे IBM का जो कंप्यूटर था ना, जिसमें डीप लर्न है ना, डीप लर्निंग नामक जो कंप्यूटर प्रोग्राम उस समय को जो वर्ल्ड क्लास जो है ना, वर्ल्ड जो फेमस जो चेस चैम्पियन था ना, उसको भी जैसे इसने मात देती थी, है ना। जो फेमस जो चेस में खिलाड़ी होता है ना, चेस चैम्पियन, उसको भी जैसे इसने AI ने उसको भी AI को जैसे माने ना, जैसे एक 5 साल का बच्चा होता है, जैसे
उस समय जैसे 1997 जैसे ये मान लो कि उसने जब जैसे चेस चैम्पियन को जैसे मात दी थी ना, तो ये मान लो उस टाइम वो एक बच्चा था और वो भ्रूण में था, 1 वीक का मान सकते हैं ना, उस टाइम उसने जन्म लेने की प्रोसेस ही शुरुआत की गई थी है ना। आज के अगर टाइम में देखें तो AI जनरेट इतना पॉपुलर हो गया है ना कि वो 5 साल का बच्चा होता है ना उसके समान मान लो, और वो 5 साल का बच्चा अच्छे से अच्छे आदमी को जैसे या फिर जैसे पूरे समाज को मात देने की क्षमता रखता है। ये प्रोग्राम को जैसे जो राजीव मल्होत्रा ने बनाया गया था, इस प्रोग्राम को जो जो चेस चैम्पियन को जैसे है ना जो डीप लर्न नामक जो कंप्यूटर प्रोग्राम था उसको जैसे वर्ल्ड चेस चैम्पियन में इसको हरा दिया गया था, और इस प्रोग्राम को जैसे राजीव मल्होत्रा ने बनाया गया था, और AI का जो पहला सप्ताह था ना उस समय को जैसे मान सकते हैं जैसे, और आज के टाइम में जैसे 5 साल का बच्चे के रूप में हम इसको मान सकते हैं ना। AI से जैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो सामने आई है जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर है ना, और क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, और रोबोटिक और 5G है ना, जैसे रोबोट वगैरह, नैनो टेक्नोलॉजी है ना, ये सारा कुछ आज के टाइम में जो पॉपुलर ही चल रहा है ना। लेकिन अगर जैसे इनका अगर इस्तेमाल जैसे आ वो होता है ना जैसे गूगल एक सर्च इंजन होता है ना, लेकिन जैसे पहले मानते थे गूगल एक सर्च इंजन है लेकिन हम उस पर सर्च करते हैं, लेकिन आजकल गूगल हमें सर्च करता है, जैसे उल्टा होता जा रहा है ना, तो इससे काफ़ी बचने की जैसे समझदारी से रहने की है ना, अच्छे से जैसे अपने जीवन को व्यतीत करने की, जैसे वो होता है ना जैसे AI है ना, जैसे AI टेक्नोलॉजी रेल जो ज़माना है उसमें जैसे अगर हम AI के साथ अगर लग लें ना तो जैसे कुछ है, या फिर AI को समझ के चले, इससे जैसे AI से बचा नहीं जा सकता है ना। मेन बात तो ये है कि अपन AI से कहाँ बचेंगे, कैसे बचेंगे, जैसे कितने टाइम तक बचेंगे है ना कभी जैसे AI अपन को रास्ते में मिल ही जाएगा, ये बात है ना। तो आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए, और फिर जैसे AI से रिलेटेड जैसे कई पार्टों में हम और काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इसमें तो जैसे हमने AI का जो जन्म कैसे हुआ और कहाँ पर ये जैसे फर्स्ट में कैसा था और ये जैसे यहाँ पर अब किस रूप में आ गया है, लोग कैसे सोचे, जैसे इससे क्या लाभ क्या हानि, वो सब कुछ आगे अगली वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।